हे गाइस नमस्कार, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। आज सीरीज का अगला वीडियो जो कि पुल शॉट के ऊपर है। पुल शॉट सबसे इम्पोर्टेंट शॉट है टेनिस बॉल के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मार खाते हैं। पुल शॉट में बहुत ज़्यादा कैच उठते हैं। शॉर्ट बॉल जब भी आती है, शॉर्ट बॉल प्रॉपरली टाइम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कैच उठता है। तो प्रॉपरली टाइम करने के लिए क्या करना है, बैट कैसे पकड़ना, वो चीज़ आज मैं आप लोगों को बताऊँगा दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमेशा जो शॉर्ट बॉल आता है, शॉर्ट बॉल चाहे लेदर बॉल से खेले या टेनिस से खेले, दोनों में आपने शॉर्ट बॉल को देखते ही आपने बैक एंड अक्रॉस ले जाना है। जैसे शॉर्ट बॉल आती है, बैक एंड अक्रॉस आपने पैर ले जाना है, बॉडी वेट पीछे वाले पैर में चला जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप बॉल को हिट मार के छक्का मारेंगे। अब इसके लिए आपने प्रैक्टिस करनी है पहले कंटिन्यूसली कि बैट उठेगा और यहाँ से छक्का जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, बैट को बहुत ज़्यादा पीछे मत ले जाना। यहाँ कई लोगों को देखा मैंने ऐसे कि जैसे शॉट आता है ऐसे कर देते हैं और ऐसे करके ले जाते हैं। तो अगर आप इतना लेके चले गए, बॉल इतनी तेज़ आएगी कि यहाँ आपका बैट पहुँचने से पहले ही आपका बॉल यहाँ पहुँच जाएगा, फिर जाके आपका कैच उठेगा। ये रीज़न है कैच उठने का। दूसरा रीज़न ये है कि कई लोग इतने से ज़्यादा बैक ग्रिप उठाते नहीं, पैर ये बैट इतना उठाते नहीं, इतना ही उठाते हैं ये, और यहाँ से सोचते हैं कि मेरा छक्का चला जाए। यहाँ से बहुत मुश्किल है, कम से कम हाई बैक ग्रिप इतना होना ही चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही बता रखा है कि इनके ऊपर जब आपको छक्का मारना बिल्कुल आता नहीं, तो ये बेसिक चीज़ें आपने सीखनी जरूरी है, जो कि टेनिस बॉल में बेसिक चीज़ें कोई सीखता नहीं है। आपने अगर प्रॉपर बैक फुट डिफेंस सीखा होगा, सारा चीज़ सीखा होगा, तो तब जाके ये चीज़ें आप, यही चीज़ जो बैक फुट डिफेंस है, वही चीज़ यहाँ पर पुल शॉट में काम आती है। तो इसीलिए आपने बैक एंड अक्रॉस जाके बैट को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है, इतना ही ले जाना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, इस एंगल से, ये देखिए, ये इतना ही ले जाना है, तब जाके मारना। बहुत ज़्यादा पीछे ले जाओगे तो आप लेट हो जाओगे। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से लाते हो, इतना तक आपका चलेगा, लाते हो तो लाते समय पूरा बाजू खोलना है। कभी कभी क्या होता है, बॉल इतनी तेज़ आ जाती है कि आपका बाजू खुल नहीं पाता है, तो उस टाइम पे आपने ज़्यादा ताकत से शॉट नहीं मारना, नहीं तो आपका कैच उठ जाएगा। तो उस समय थोड़ा सा आपने नीचे दबा देना, कलाई को हल्का सा नीचे दबा देना है। तीसरी बात, जब आप कलाई लाते हैं, यहाँ से बैट को लाते हैं, तब भी आपने कलाई मोड़नी नहीं। अगर आपका बैट का एंगल ऐसा रह गया या ज़्यादा डाउन रह गया, तो या तो नीचे दब जाएगा या तो ऊपर उड़ जाएगा कैच। इस चीज़ का ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है बॉल को समझना। अब आपको कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट बॉल है, इसमें दो तीन तरीके हैं, मैंने पहले ही बता रखा लाइन और लेंथ जजमेंट के ऊपर। जब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, तीन वीडियो मैंने स्लॉट बॉल के ऊपर डाल रखी हैं कि फुल लेंथ में कैसे शॉट मारना। आपने कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक अपने फुल लेंथ एरिया की प्रैक्टिस करी हुई है, जो भी फुल लेंथ एरिया आपका, फुल लेंथ एरिया में लगातार आगे को छक्के मार रखें, पैर आगे निकाल के छक्के मार रखें। अब कुछ दिनों तक आधे पिच में मार करके शॉर्ट बॉल की प्रैक्टिस करेंगे, आप शॉर्ट बॉल डाल के प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको आइडिया आएगा। फुल लेंथ का तो आपको पता लग गया, आपके जोन में यहाँ पे बॉल आ रही, मैंने सीधे आगे मारना है। शॉर्ट बॉल में जब पीछे डालेंगे, तो पीछे डाल के आपको बैक फुट, बैक एंड अक्रॉस जाके बैक फुट में, तब जाके ऐसे छक्का मारना है। कई बल्लेबाज ऐसे भी देखे हैं, जैसे रोहित शर्मा हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं, पैर आगे निकाल के भी सीधे आगे से पुल शॉट मार देते हैं। तो वो उनको पहले से हैबिट है, आप भी मार सकते हैं। बट मैक्सिमम जो है इसका एक्चुअल में जो शॉट लगता है, वो बैक एंड अक्रॉस जाके ही लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, बैक एंड अक्रॉस जाके छक्का मारने की, तब जाके आपका अच्छा छक्का लगेगा। प्रैक्टिस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कैसे करना है, वो आपने पहले सीधे अपने किसी भी फ्रेंड से आधे पिच में खड़ा करवाइए, सीधे बॉल चेस्ट लेवल में बॉल दीजिए। अगर आपकी बॉल आँखों से ऊपर आ जाती है तब आप मार रहे हैं, तो या तो आप ऐसे करके स्क्वायर लेग की तरफ मारेंगे, तब आपका लग सकता है, अदरवाइज़ आपका कैच उठना ही उठना है, लेदर में भी टेनिस में भी, क्योंकि यहाँ से ऊपर इतना स्पेस हो जाता है कि बैट नहीं पहुँच पाता और यहाँ टकरा के ऊपर कैच उठता है। इसलिए जैसे आँखों से ऊपर बॉल आती है, आप उसको छोड़ सकते हैं। पर टेनिस बॉल में क्या होता है, लिमिटेड है, 12 ओवर, मुश्किल से 10 ओवर का मैच चलता है, उसमें भी आप दो चार बॉल छोड़ दें तो आपका मैच गया। तो इसलिए है उसको भी हिट करने की कोशिश करनी है, उसके लिए हुक शॉट बोलते हैं। पीछे जैसे इतना आता है, आप ऐसे रेडी हैं, बैट पीछे आया, यहाँ से ऊपर को मार देते हैं। आपने मैक्सिमम देखा होगा टेनिस में ऐसे शॉट मारते हुए, तो ये शॉट आप आसानी से मार सके थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। स्टार्टिंग में आपने फुल टॉस, सीधा चेस्ट लेवल में फुल टॉस बॉल देनी है, और फुल टॉस बॉल में कंटिन्यू हिट करते जाना है। आपने बैट और बॉल का कॉन्टैक्ट करना सीखना है पहले, पुल शॉट सीखने से पहले। ये आया बॉल, ये मारा,
ये आया बॉल फुल टॉस में, लगातार ये प्रैक्टिस नेट में करिए आप। ग्राउंड में करेंगे तो उतना बॉल लाने में आपको प्रॉब्लम आएगा, नेट में करो, कंटिन्यू करते रहो, कम से कम 50 बॉल 100 बॉल आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह से बैठ के नीचे ज़मीन में बॉल फटका के चेस्ट लेवल तक दीजिए, लगातार बॉल फटकाइए चेस्ट लेवल में दीजिए, लगातार फटकाइए चेस्ट लेवल में दीजिए कंटिन्यू, और वो मारते जाइए। ये आपको जब हैबिट हो जाएगी उसके बाद जो है आपने फुल लेंथ से बॉलिंग करा के फिर जाके ये प्रैक्टिस करनी है, 50 बॉल 100 बॉल जितना ज़्यादा आप खेलेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। फिर ये कुछ दिन तक नेट में प्रैक्टिस करनी है, सेम नेट में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको, उसके बाद ग्राउंड में खेलना जरूरी है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करना जरूरी है मैच से पहले। नेट में खेल के डायरेक्ट ग्राउंड में जाएंगे, मैच में जाएंगे तो मैच में आपको एक शॉट में आपको कैच उड़ गया, कभी कभार प्रैक्टिस के बाद भी उड़ जाता है, वो हमारा भी उड़ता है ऐसा नहीं, तो आपको फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। इसलिए आपने नॉर्मली ऐसे ग्राउंड में जाके अकेले दो तीन बंदे जाके एक को लेग में लगा के एक को बॉलिंग करा के आप लगातार 2-4 शॉट 10 शॉट खेलेंगे, आपको आएगा कि हाँ मेरा शॉट सही जा रहा है। तो उसके बाद आप इस चीज़ की अच्छी खासी आपकी जब प्रैक्टिस हो जाती है फिर जाके इसको मैच में बहुत अच्छे से आप खेल सकते हैं। अब आपको खेल के दिखाते हैं कि कैसे कैसे खेलना है, कैसे कैसे लंबी हिटें मारनी है पूल शॉट के अंदर।